मलिक अरसलान शहजाद के साथ आप देख रहे हैं ला न्यूज़। जी नाजरीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर परवेज़ अहमद शफीक के पास मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे तो जिन्हें आपने देखा होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त राजनपुर में नाजायज़ मुनाफा खोरों के खिलाफ उन्होंने क्रैक डाउन किया हुआ है। आए हम उनकी ही ज़ुबानी उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर माशाल्लाह जो आपने इस वक्त क्रैक डाउन किया हुआ है, तो उस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी ज़रूरत थी, काफ़ी अरसे से फील हो रहा था कुछ नाजायज़ मुनाफाखोरी और स्टॉक टेकिंग के मसाइल सामने आ रहे थे, जिस पर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जमीलुल्लाह जमील साहब ने हमें इंगेज किया और हुक्म दिया कि असाइनमेंट पे काम करें। रिसेंटली 3 दिन से मुसलसल इसी उस पर काम कर रहे हैं। ना सिर्फ मैं कर रहा हूँ बल्कि मेरे अलावा जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है। अच्छा सर, आपके हैंड ओवर क्या क्या चीज़ होती है, यानी कि कौन कौन से नाजायज़ मुनाफा खोर होते हैं? पहला तो बेसिक हमारा होता है, वैसे तो ओवरऑल ज़ाहरी बात है जितनी चीज़ें उनको सबको नज़र में रखा जाता है। बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो होता है इंसेशन कमोडिटीज़, बुनियादी अशियाज हो दिया जो आवाम के इस्तेमाल में आती है। बेसिक चीज़ों में जैसे आटा हो गया है, चीनी हो गई है, घी हो गया है, दालें हो गई हैं, जो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है और फिर उसी को इंश्योर करती है, इम्प्लीमेंट करती है तमाम मार्केट्स में अपने लिमिट्स से। सर आप सील कर देते हैं या उनके खिलाफ कोई FIR भी होती है? डिपेंड होता है सिचुएशन पे कि सिचुएशन क्या है। अगर माइनर सी मिस्टेक मिलती है हमें तो हम कई मतलब वार्निंग भी दे देते हैं। अगर देखते हैं कि नहीं मिस्टेक ऐसी नहीं जिसे नज़रअंदाज किया जाए तो फिर उसको रिकॉर्ड पे वार्निंग दी जाती है या फिर फाइन कर दिया जाता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन होती है या बंदा हैबिचुअल होता है और कोई 2 मरतबा या 3-4 मरतबा वो हाईलाइट होता है, देन हम कोशिश करते हैं कि FIR दे दी जाए, उसको अरेस्ट कर दिया जाए मौके से। सर आप कोई इन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो नाजायज़ मुनाफा खोरी कर रहे हैं? देखें मैसेज तो यही है कि जो हम काम कर रहे हैं कि हमारा यही मैसेज है कि अभी भी बाज आ जाए, अभी भी वक्त है बाज आ जाए, वरना हमारा तो एम है, हमें तो डायरेक्शन है, हमें हुक्म मिला गया है कि इस पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है, किसी किस्म की कोई रियायती रखनी है, ना स्टेटस वाइज और ना एरिया वाइज। थैंक यू सो मच सर। कि इस वक्त जो राजनपुर के अंदर नाजायज़ मुनाफा खोर आवाम को लूट रहे हैं, उन्होंने नाजायज़ मुनाफा खोरों के खिलाफ सख्ती से क्रैक डाउन किया है और उनका कहना है कि किसी भी किस्म की ऐसे लोगों को रियायत नहीं दी जाएगी जो आवाम गरीब आवाम को लूट रहे हैं। खिदमत खल्क रखने वाले इस मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ। जी थैंक यू। कैमरामैन शहजाद अली के साथ मलिक।